कहा था ना दोस्तों, SRK की सबसे बढ़िया केमियो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। ये केमियो SRK फैन के लिए एक ट्रीट से कम नहीं था। जब SRK की एंट्री फिल्म में हुआ, लोग एकदम बौखला गए। इतना शोर मचा कि लोगों को डायलॉग भी ठीक से सुनाई नहीं दिया। तो सोचो दोस्तों, SRK की एक केमियो पे इतना हंगामा है, तो जब पठान आएगा तो हालत क्या होगा। तो पठान की डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद से मैं बस इतना कहना चाहूँगा, भाई साहब 2-3 वाव फैक्टर जरूर रखना, फिर देखना पठान में रिएक्शन कैसा निकलता है। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा मूवी में शाहरुख खान का रोल क्या था। अगर आप मूवी अभी तक नहीं देखे हैं तो यहीं से वीडियो को रोक सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर। लेकिन आगे आपको थोड़ा सा स्पॉइलर सुनने को मिल सकता है, इसीलिए स्पॉइलर वार्निंग देकर मैं वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो SRK इस मूवी में बानर अस्त्र का रोल प्ले कर रहे हैं, और SRK जितने मिनट भी स्क्रीन पे दिखाई दिए हैं वो चेरी ऑन द केक था। पूरा मूवी की मजा एक तरफ था और SRK की केमियो का मजा एक तरफ था। SRK की इंटेंसिटी, उनकी आंखें, डायलॉग बोलने के अंदाज, ये देख के मजा ही आ जाता है। और क्योंकि वो इस मूवी में बानर अस्त्र को धारण किए थे, इसीलिए उनकी एक्टिंग में एक चंचलता देखने को मिलता है और वो देख के एक फ्रेश फीलिंग आता है। लेकिन अगर हम बानर अस्त्र के बारे में बात करें, सिर्फ वो अस्त्र के बारे में बात करें, तो मुझे कुछ खास पावर उसमें दिखाई नहीं दिया। बानर अस्त्र को बस लॉन्ग जंप, हाई जंप मारने के लिए रखा गया था और कुछ पावर उसमें नहीं दिखाया गया है। रामायण कथा में कितने सारे शक्तिशाली बानर के बारे में बताया गया है, जैसे कि लॉर्ड हनुमान, राजा सुग्रीव, राजा बाली, युवराज अंगद, ऐसे बहुत सारे शक्तिशाली बानर के बारे में रामायण कथा में सुनने को मिलता है, रामायण में देखने को मिलता है। लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। बानर अस्त्र का मतलब सिर्फ उछल कूद करना है, ऐसा इस मूवी में दिखाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे निराश भी किया, क्योंकि एक बानर को चंचल के साथ साथ शक्तिशाली दिखाना भी जरूरी था। लेकिन इस मूवी में सिर्फ चंचल को दिखाया गया है, शक्तिशाली उतना नहीं दिखाया गया। और डायलॉग पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था SRK को और भी अच्छा डायलॉग दिया जा सकता था, लेकिन दिया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं डायलॉग से भी थोड़ा सा मैं निराश हुआ हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है SRK की केमियो देख के मजा नहीं आता है। मजा आता है, जरूर मजा आता है। मैं सिर्फ वो अस्त्र के बारे में बात कर रहा था, बानर अस्त्र के बारे में बात कर रहा था। तो दोस्तों, बाकी सारे डिटेल्स हम रिव्यू वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।